बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 सबका साइबर कैफ़े। पार्ट 9 सबका साइबर कैफ़े। ठीक है बच्चों, ये जो पार्ट है इंटरनेट के ऊपर आधारित है। ये पार्ट इंटरनेट पर आधारित है, यानी इसमें इंटरनेट के बारे में सारी सूचना और ज्ञान दिया गया है कि इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है बच्चों, आज का जो युग है सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का टाइम है। ठीक है बच्चों, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हुआ है और इस तेज़ी से विकास के कारण मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले के समय में संचार के साधन क्या होते थे, पत्र के द्वारा लोग क्या है अपनी बातचीत को, अपने संदेश को क्या है अपने मित्रों या अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों को पत्र के द्वारा पहुंचाते थे। ठीक है बच्चों, लेकिन धीरे धीरे क्या है फ़ोन आए, फिर क्या है मोबाइल फ़ोन आए। मोबाइल को आप कहीं भी लेके जा सकते हो, घर के किसी कोने में क्या है ले जाओ और आप बात कर लो। फिर क्या है मोबाइल में क्या है इंटरनेट आ गया। ठीक है, इंटरनेट के आने से मनुष्य का जीवन और क्या है आसान हो गया। ठीक है बच्चों, इन संचार के साधनों की उपलब्धता ने मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ दिया। अब देखो बच्चों, अब हमारे जो रिश्तेदार सगे संबंधी मित्र विदेशों में भी बैठे हैं, हम उनसे भी क्या है एक मिनट में नहीं लगता हम उनसे बात कर लेते हैं, हम वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं, हमें उनका चेहरा भी दिखता है, हम उनसे बातें भी कर लेते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता बन गए हैं। इसी आवश्यकता का अनुभव करते हुए दो मित्र थे जिसका नाम था सोमू और दामू। वो क्या एक गाँव में रहते थे, एक दूर दराज गाँव में रहते थे, बहुत दूर, जो शहर से काफ़ी दूर था। वो क्या है शहर घूमने आते हैं और वहाँ क्या उन्हें इंटरनेट के बारे में पता चलता है, तो क्या है अपने गांव में भी इस सुविधा को उपलब्ध कराना चाहते हैं। इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, क्या क्या कोशिशें की, अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। इस पाठ को बच्चों अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सारांश। सोमू और दामू दोनों मित्रों का सैर सपाटे के लिए शहर जाना। बच्चों सोमू और दामू दोनों एक घनिष्ठ पक्के मित्र थे और एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना सैर सपाटे, सैर सपाटा होता है घूमने के लिए, हम शहर चले। वो दोनों सैर सपाटे के लिए शहर चले जाते हैं। शहर जाकर वहाँ घूमने लगते हैं तो घूमते घूमते दोनों मित्रों की नज़र एक दुकान पर लगे बोर्ड पर पड़ना, जिस पर लिखा था साइबर कैफ़े। दोनों मित्र जब घूम रहे थे तो घूमते घूमते उनकी नज़र एक दुकान पर लगे बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था साइबर कैफ़े। ठीक है, सोमू देख साइबर कैफ़े चल, कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो दोनों मित्र क्या है दुकान के अंदर चले जाते हैं। तो जो साइबर कैफ़े का मालिक होता है उन्हें कहता है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, और दोनों मित्रों का दुकान के अंदर जाना। तो दोनों मित्र कहते हैं, फ़िलहाल तो आप क्या दो कप कॉफ़ी मंगवा दें और स्नैक्स के लिए मेनू कार्ड भिजवा दें। मेनू कार्ड क्या होता है, जिसमें क्या है वस्तुओं की सूची होती है। जब हम होटल में जाते हैं तो टेबल के ऊपर मेनू कार्ड पड़ा होता है, उसमें कितनी सारी वैरायटीज़ की लिस्ट बनी होती है, बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट होती है ना खाने पीने की, हमें जो पसंद होती है हम उसमें से उसे चुन लेते हैं और उसका ऑर्डर कर देते हैं और वही हमारे पास चीज़ आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि हमें दो कप कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए मेनू कार्ड भिजवा दो। तो साइबर कैफ़े के मालिक ने कहा कि लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी का अर्थ होता है कुछ भ्रम हो जाना या क्या है गलत समझ आ जाना। कई बार हम क्या है कोई बात गलत समझ लेते हैं, तो आपको कोई गलतफहमी हो गई है, हमारे यहाँ कॉफ़ी नहीं मिलती और खाने पीने की वस्तुएँ स्नैक्स कुछ नहीं मिलता, हाँ आप चाहें तो इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, साइबर कैफ़े ने उनसे के मालिक ने उनसे आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं मिलती है, स्नैक्स वगैरह, तो आप क्या है यहाँ पर इंटरनेट के से संबंधित जो भी है आनंद ले सकते हैं। तो सोमू और दामू एकदम से हैरान रह गए, उन्होंने कभी इंटरनेट शब्द सुना ही नहीं होता। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, फिर दोनों की नज़रें चारों ओर घूमने लगती हैं। वो देखते हैं कमरे में कई कंप्यूटर पड़े हुए थे, बहुत सारे कंप्यूटर थे और कंप्यूटर पर क्या है लोग बैठे हुए थे उनके सामने और कंप्यूटर के सामने बैठकर लोग काम कर रहे थे। तो सोमू और दामू ने पूछा, सोमू और दामू द्वारा इंटरनेट के बारे में पूछना। तो सोमू और दामू ने पूछा साइबर कैफ़े के मालिक से कि भाई ये बताओ कि इंटरनेट क्या होता है, हमने तो ये कभी सुना ही नहीं है।
हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो साइबर कैफ़े के मालिक का उन्हें इंटरनेट के बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो साइबर कैफ़े के मालिक ने कहा कि इंटरनेट कंप्यूटरों का ऐसा जाल है जिसमें अनेक वेबसाइटों से दुनिया भर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, देश विदेश से मित्र बनाए जा सकते हैं। अब देखो, हमने अपने स्कूल से कोई भी डिटेल्स स्कूल की लेनी हो तो हम क्या अपने स्कूल की साइट पर जाएंगे, ठीक है बच्चों, और हमारे स्कूल की जो वेबसाइट होती है उसको खोलेंगे और हमारे और सारी उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमें कोई भी किसी भी किसी स्कूल की, किसी इंस्टीट्यूट की, किसी दुकान की, किसी से भी हमें कुछ मंगवाना है या कुछ जानकारी चाहिए होती है तो उसकी वेबसाइट खोलते हैं और वहाँ से हमें सारा कुछ मिल जाता है, उसकी जानकारी सारी मिल जाती है। तो इससे हम देश विदेश में मित्र भी बना सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं, उन्हें देख भी सकते हैं, देख कह सकते हैं वीडियो कॉल करके, अपने संबंधियों, मित्रों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को संदेश भी भेज सकते हैं, यहाँ तक कि घर बैठे हम अपनी मनचाही वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। अब जैसे आजकल आपको पता ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन पे जाइए देखिए, ऑनलाइन पे हम कुछ भी मंगा सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, घर का सामान, कपड़े, बर्तन, अपने स्कूल की आपकी कोई ज़रूरी चीज़ें, अपने ड्रेस मटेरियल, स्टडी मटेरियल, आप कुछ भी इसमें मंगा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो दोनों मित्र क्या है, आपस में बातें करते हैं और बातें करते करते क्या है, दोनों मित्र कैफ़े से बाहर आ जाते हैं। दोनों मित्रों का कैफ़े से बाहर आ जाना, फिर दोनों मित्र सोचते हैं कि क्यों ना हम भी अपने गाँव में एक साइबर कैफ़े क्यों ना खोलें।